अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौए गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हो, उस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम लोग अनल हक बोलेंगे, हम लोग अनल हक बोलेंगे। मैं यहां सच बोलने के लिए आया हूं। धारावी वालों, दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक की सरकारों की बुरी नजरें हैं धारावी पर। वो चाहते हैं कि धारावी एक उद्योगपति के हाथ की कठपुतली बन जाए। क्यों? क्योंकि यहां गरीब आदमी रहता है जो रोजी रोटी तलाश में आया और उसने एक छोटा सा आशियाना बना लिया। लेकिन ये सरकारें ये भूल जाती हैं कि ये जो गरीब आदमी है, ये जो आम आदमी है, ना इसको खरीदा जा सकता है, ना इसको डराया जा सकता है। आप धारावी की आवाम को डरा नहीं सकते। और जब धारावी की नुमाइंदगी असेंबली में ज्योति ताई करेगी तो धारावी की आवाज को और कोई नहीं दबा सकता। किसी झांसे में नहीं आना है। हाथ का पंजा है, हाथ के पंजे में मशाल है, तुतारी बजाओ, गद्दारों को भगाओ। एक तरफ उनके नारे हैं, कटेंगे बटेंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, और एक तरफ हमारे नारे हैं, आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले। मैं यहां धारावी में खड़ा होकर के आपसे ये कहना चाहता हूं साथियों, कि कितनी भी साजिशें हो, कितना भी वोट बांटने की, बर्बाद करने की कोशिशें हो, खरीदने की कोशिशें हो, अरे हम सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। दुनिया का कोई अडानी हमारे ईमान का सौदा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है ना, नहीं कर सकता है ना। ये जो पैसों से सोचते हैं कि इलेक्शन को डिस्टर्ब कर लेंगे, उन्हें बताना कि हम भोले लोग जरूर हैं, हम गरीब लोग जरूर हैं, हम सीधे सच्चे लोग जरूर हैं, लेकिन इतना तो जानते हैं कि नफरत कहां है और मोहब्बत कहां है। यह इलेक्शन इस बात का बदला लेने का चुनाव है कि किस तरह से महाराष्ट्र में एक चलती हुई सरकार को लूट करके एक दूसरी सरकार बनाई गई। अगर चाहते हो कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से देश चले, महाराष्ट्र डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चले, तो इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों को वोट दो। हमारी बहन ज्योति ताई आपके बीच में हाथ के पंजे के निशान के साथ चुनाव लड़ रही हैं। मेरी आपसे अपील है, पहले से ही एक नंबर पे है, अब इसके बाद फिर क्या ही बोला जाए, पहले से ही एक नंबर पे है, तो एक नंबर का बटन दबा करके पिछली बार की जो मार्जिन थी उसको बढ़ाना है। बढ़ेगा, अब चाचा ने कह दिया तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। मैं धारावी के लोगों से वादा करता हूं कि बहन को जब भी धारावी के डेवलपमेंट के लिए जरूरत पड़ेगी, इसकी निधि कम पड़ेगी, इमरान प्रताप गढ़ी अपना ब्लैंक जो है लेटर पेन निधि का बहन को देगा। कि आप काम करिए, आपके साथ इमरान प्रताप गढ़ी खड़ा है। आमदार जिताओ, एक खासदार साथ में फ्री पाओ। आपके घरों दे उजाड़ने आए उनसे कहना कि जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे, मेरे मिट्टी के घरों दो पे बरसने वालों मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। नादान हो, इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम? जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं है वहां पर, हाथ का पंजा है इस तरफ और इस तरफ। वो लोग जिन्होंने चुनाव निशान छीने, वो लोग जिन्होंने राजनीतिक दलों को तोड़ा, वो किस मुंह से चुनाव में शुचिता और पवित्रता की बात करते हैं धारावी वालों? लगातार मुझे इस इलाके का फीडबैक दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ज्योति ताई ऐसी ज्योति जलाने जा रही है, ऐसी ज्योति जलाने जा रही है,
कि उसकी रोशनी से पूरे धारावी में उजाला होगा। साजिश करके आप हुकूमत तोड़ सकते हो लेकिन आवाम के दिल को नहीं खरीद सकते हो। जब भी मैं ताई को देखता हूं तो मुझे अशोक साहिल का यह शेर याद आता है कि मैं तुम्हें अपने उसूलों का कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। धारावी वालों, मेरे भाइयों, मेरी जहां तक आवाज जा रही है, मेरी माओ बहनों, मेरे बुजुर्गों, ऐसे तमाम चेहरे देख रहा हूं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले 20 साल के हिंदुस्तान का नक्शा लिखा हुआ है, मैं उनसे भी मुखातिब होकर कह रहा हूं कि एक बुरा वक्त है। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम यह सोचता है कि महाराष्ट्र को अपने रिमोट कंट्रोल से चलाएगा, महाराष्ट्र को गुजरात के रिमोट कंट्रोल से चलाएगा, तो दिल्ली के हाकिम को यह बताना है कि नहीं, महाराष्ट्र वीर शिवाजी महाराज की और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की धरती है, इसको किसी रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाया जा सकता। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। तैयार रहना। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। और जिसके पास दो दो बहने हो उससे खुशनसीब कौन हो सकता है। तो मैं अपनी इस बहन के लिए अपना दामन फैलाने के लिए आपके बीच में आया हूं। अपनी मेहनत के बल पर और आपकी दुआओं के बल पर देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, तो आपसे मेरा एक रूह का रिश्ता है, एक जज्बाती रिश्ता है। इसलिए अपील करता हूं कि मेरे साथ उठाइए अपना एक एक हाथ और मुझे यकीन दिलाइए। उधर जो पीछे लोग हैं, उधर जो बाई तरफ भी खड़े हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, जाइए घरों से बाहर निकलिए 20 तारीख को और अपना एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबा करके आइए। आपका वोट सिर्फ ज्योति ताई को नहीं मिलेगा, आपका एक एक वोट राहुल गांधी को मिलेगा, उद्धव ठाकरे जी को मिलेगा, शरद पवार जी को मिलेगा। एक नंबर मैं कहूंगा, जो